Hey, good morning students. हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के लेसन 4. ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते हैं. कैटिनेशन क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन. ये कार्बन की एबिलिटी होती है. किसकी? कार्बन की एबिलिटी होती है क्या बॉन्ड बनाने की विद अदर एटम, दूसरे एटम्स के साथ, इज नोन एज कैटिनेशन. टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मीन्स फोर और वैलेंसी का मतलब समझते हो, ठीक है? मतलब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, कार्बन चार बॉन्ड बना लेता है. विद द वैलेंसी ऑफ फोर, चार वैलेंसी के साथ कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग. कैपेबल होता है वो बॉन्डिंग करने के विद फोर अदर एटम, चार अलग अलग एटम से. तो दैट इज द, ये चार बॉन्ड बना लिए ना, 1, 2, 3 और 4, ठीक है? इसी को क्या बोल रहा है, ये टेट्रा वैलेंसी. ओके, यहां से बात की जाए तो हमारे क्वेश्चन उठता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोमर, ठीक है? और जाके वन में, प्लस वन में भी जाके क्या करता है, टक्कर मारता है बच्चों के सर में, ठीक है? हम इसको यहीं पे खत्म कर देंगे, टक्कर नहीं मारने देंगे, ठीक है? आइसोमर बोल रहा है, ड्रा द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन. सबसे पहले बात सर, पेंटेन का ड्रा करो स्ट्रक्चर. पेंट मतलब पांच, 1, 2, 3, 4, 5. एन मतलब सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड, कर दो वैलेंसी पूरी, लगा दो हाइड्रोजन अपने हाथ में. तो हाँ भाई, हो गया काम, ठीक है? आइसोमर, अब आइसोमर ही नहीं पता क्या करें. आइसोमर की डेफिनेशन सुन लो. आइसोमर क्या होते हैं? जिनका कार्बन कंपाउंड्स, कौन बेटा? कार्बन कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड आइसोमर. एंड इस नॉलेज आइसोमर. कार्बन कंपाउंड, दो कार्बन कंपाउंड, वो कार्बन कंपाउंड विच हैव, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो परंतु डिफरेंट हो जाए स्ट्रक्चर. एक तो हो गया ये भैया और एक हो जाएगा ये भैया. सर सेकंड नंबर वाला कहां से आ गया भाई? आया नहीं है कहीं से. सुन लो, देख लो, एक दो दोनों एजिटीज थे यहां तक की एजिटीज है, ठीक है? ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन पे क्या हुआ, ये जो CH2 है, CH2 यहां आ गया. तो दो हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए तीन और कार्बन हो गए, ठीक है? बच क्या आ गया, बच गया ये वाला, ये एजिटीज है, ठीक है? परंतु सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोपेंटेन. क्या होगा? आइसोपेंटेन, जहां एक क्या हो, ब्रांच चेन हो, जो जहां एक कार्बन की चेन हो. दूसरा देखो, सी ये वाला सी है, इसको ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया. बात करते हैं इसी सी की, ये सी इस सी पे आ जाएगा. इस सी पे पहले ऊपर एक CH3 था, ये था, ये CH2 इस H के पास आया तो CH3 बना और एक यहां CH3 बना और मैं इस CH को ऐसे को ऐसे भी लिख सकता हूं. अगर लिख सकता हूं तो इसका नाम ये भी लिख सकता हूं मैं, नियोपेंटेन है ये हमारा. क्या है? नियोपेंटेन, जहां पे दो ब्रांच चेन होगी. भूम, कितनी ब्रांच चेन होगी बेटा?
दो ब्रांच चेन होगी उसको मैं न्यू पेंटेन बोलूंगा, और जहां पे एक ब्रांच चेन होगी उसको मैं आइसोपेंटेन बोलूंगा, और ये मेरा क्या है एन पेंटेन है, और सर यहां पे एन का मतलब होता है नॉर्मल और पेंटेन का पेंटेन। क्लियर है? एन पेंटेन नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन विच हैव वन कार्बन ब्रांच चेन, न्यू पेंटेन विच हैव टू ब्रांच कार्बन चेन। ठीक है, दो ब्रांच है ना, ये शाखा है मेरे भाई, ब्रांच है। ठीक है, जैसे बैंकों की ब्रांच होती है, बड़े बड़े स्कूलों की ब्रांच होती है, आरपीएस काफी जगह ब्रांच है, शाखाएं। तो इस कार्बन की ये शाखा है, इस कार्बन की मिडल वन कार्बन की। ओके, थैंक यू।